ये बड़े बदलाव, मंत्री बने कई पदाधिकारी संगठन का पद छोड़ेंगे। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य अपना पद छोड़ेंगी, प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर भी अपना पद छोड़ेंगे, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एके शर्मा भी अपना पद छोड़ेंगे, तो प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी संगठन का पद छोड़ेंगे, क्योंकि अब है परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, तो अब जो संगठन का पद छोड़ेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह। तो एक बड़े बदलाव की आहट। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी आज वाराणसी के दौरे पर हैं, और ऐसे में उनका दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है, वो लगातार चाह रहे हैं कि संगठन को भी लेकर और मजबूती बने। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ, और ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में सरकार में मंत्री बने कई पदाधिकारियों को संगठन का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति को एक ही पद पर रहने का अधिकार होता है, और ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी नए चेहरों को मिलेगी। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से भूपेन्द्र चौधरी 10 मार्च तक यूपी के सभी 6 संगठन क्षेत्रों की बैठक ले रहे हैं, ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जिनके पास मंत्री के पद भी हैं, संगठन के पद भी हैं, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष एके शर्मा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर सिंह को संगठन का पद छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके, संगठन को हर एक तरीके से ऐसा किया जा सके कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक नया आयाम रख सके। भूपेन्द्र चौधरी के लखनऊ लौटने के बाद और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही कई नए चेहरों को संगठन में जगह दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समर्थ के साथ मैं संदीप खेर, भारत समाचार, लखनऊ। और इस वक्त सीधे हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, अभी बीजेपी कार्यालय से जो आपने अपनी रिपोर्ट भेजी हमारे दर्शकों तक, हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, अब संगठन में बड़े बदलाव की कुल मिलाकर के आहट, अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्यों संदीप? देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो 5 महीने से ज्यादा खाली रहा था, हालांकि भूपेन्द्र चौधरी को वो पद दे दिया गया, उन्होंने पदभार भी संभाल लिया और आज वो अपना भ्रमण भी कर रहे हैं, वाराणसी पहुंचे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि संगठन में ऐसे तमाम लोग थे जो संगठन के पद पर भी थे, और उसके बाद योगी सरकार 2.0 में उनको मंत्री का पद भी दिया गया था, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अगर बात कर लेते हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, दयाशंकर हैं, एके शर्मा हैं, और भी ऐसे तमाम लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक तरह की परंपरा है कि एक व्यक्ति जो है वो एक पद पर ही स्थापित रह सकता है, तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी संगठन के जो लोग हैं जिनके पास एक पद और है, उनसे इस्तीफे की मांग करी गई और उनसे कहा है कि वो जल्द से जल्द अपने इस्तीफे को दे दे। इसके बाद ये देखा जा रहा है कि भूपेन्द्र चौधरी को देखिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि अनुभवी और प्रभावशाली नेता माना जा रहा है, जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, जाट समाज का कह सकते हैं एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भूपेन्द्र चौधरी अभी लगभग कम से कम 10 मार्च तक अपनी जो सभी 6 संगठनात्मक बैठक है उसको करेंगे, चर्चा करेंगे, और आज भी जिस तरीके से वो वाराणसी पहुंचे हैं वहां पर उन्होंने भी लोगों से बात करी है, कई तरीके के सुझाव लिए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ आलोक ये बात भी देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए चाहे जिस तरीके से दानिश अंसारी को मंत्री बनाया गया या फिर कई नए चेहरों पर मोहर लगाई जाती है, और भारतीय जनता पार्टी का ये व्यक्तित्व है, यही है जो लोगों को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर हर पार्टी से अलग क्यों है, नए चेहरों को मौका दिया जाता है। संगठन की भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी भूमिका है, और ऐसा संगठन किसी अन्य पार्टियों में नहीं है, तो संगठन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगे किस तरीके से मौका दिया जाए ये अब ज्यादा जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गया है। आज जिस तरीके की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये है कि लगभग 5 से 6 लोगों से इस्तीफा मांग लिया गया है, अब ये संगठन से अभी अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से नए नाम ऐसे होंगे जिनको संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है, वो चाहे 2024 की अगर लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं या फिर उसके पहले जो तमाम इस तरीके की गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रही है, उसमें जिस तरीके के भी कार्यक्रम हो,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए अपने आप को सक्रिय रूप से दिखाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के बाद ही अपने दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाती है और उसी के साथ बिल्कुल इसीलिए संदीप कहते हैं कि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है अपनी तैयारी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस्तेमाल।